तो नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं अपने साथ जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़े हुए मेहमानों का और अपने साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के साथियों का एक बार फिर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही शो के अंदर सीधे अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे धार और रफ्तार देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किससे बहस का मुद्दा बनाया है, फिर पब्लिक के मंच के साथियों के नाम भी बताऊंगा। आपने आज बहस को मुद्दा बनाया है मुगलों के नाम के कसीदे पढ़ने का मकसद क्या है। ये कसीदे पढ़े हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले हिंदू और हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से करना, उसके बाद मुगलों का गुणगान करना, क्या ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? हालांकि इस बहस में हमने कांग्रेस के गेस्ट बुलाए थे लेकिन उनके नेता तो आ रहे हैं लेकिन आधिकारिक प्रवक्ता नहीं। इस बीच सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। सलमान खुर्शीद ही अपनी पुस्तक में हिंदू और हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से करी थी, इसीलिए आज इसी पर बहस होगी। हम जानेंगे कि क्या उनके घर हमला करना उचित था, बिल्कुल उचित नहीं था, अनुचित था, लेकिन क्या इससे हिंदुत्व को जोड़ा जा सकता है, जो सवाल सलमान खुर्शीद उठा रहे हैं, और क्या मुगलों का गुणगान होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं आज तक का अपडेट, उसके बाद देखेंगे देश की बहस का सवाल और पब्लिक के मंच के साथी। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, हिंदुत्व और जय श्री राम पर विवादित टिप्पणियां करने के बाद एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगल राज के क्रूर शासक बाबर के नाम के कसीदे पढ़े, जबकि बंटवारे के खलनायक जिन्ना को जिन्ना जी कहकर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, बाबर जो थे जिसकी औलाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मुझको नाम देते थे कि ये बाबर की औलाद है। अब इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वही बाबर भारतवर्ष आया सन 1526 में और उनका मौत हुआ सन 1530 में, मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, दिग्विजय सिंह हो या फिर राशिद अलवी जैसे नेता, हिंदुत्व, राम और अयोध्या पर विवादित बोल बोलने के बाद अब क्रूर मुगल शासक बाबर के कसीदे पढ़ मणिशंकर अय्यर ने विवाद पैदा कर दिया है। बीजेपी ने भी मणिशंकर अय्यर के बयान पर जमकर पलटवार किया। कांग्रेस अपने आप को मुगल से आगे सोच नहीं सकती, वो तो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, हिंदू आतंकवादी है, हिंदू आईएसएस जैसे है, तो उनके लिए तो मुगल ठीक है। हालांकि कांग्रेस ने मणिशंकर पर कुछ बोलने की बजाय सत्ताधारी पार्टी पर तंज कसा। इतिहास में निंदनीय रहे हों या वो प्रशंसा के योग्य रहे हों, और इतिहास में हर पहलू के हर प्रकार के कैरेक्टर आते हैं, क्या वो भारत की अस्मिता, विरासत, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है, कैसा भी व्यक्ति हो। इस बीच नैनीताल में कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ की है। मैंने ये कहा था जो हिंदू धर्म में नहीं है उसको कह दो ये हमारा नहीं है, उसके लिए कह दो ये हमारा नहीं है, इतने ही तो मैंने कहा था। देश की बहस में चर्चा है कि जिस तरह से नेताओं के विवादित बयान आ रहे हैं, क्या आगामी चुनाव से पहले किसी खास रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। तो देश की बहस में मैं आज का सवाल बताऊं, उससे पहले पब्लिक के मंच के साथ ही बता देता हूं। मेरे साथ महक पोरवाल इंदौर से जुड़ेंगी, मेरे साथ हर्षिता शर्मा नोएडा से जुड़ेंगे, मेरे साथ रजनीश सिंह प्रयागराज से जुड़ेंगे, मेरे साथ सचिन अरोड़ा गाजियाबाद से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट के पैनल को इंट्रोड्यूस करूं, आपसे परिचय कराऊं अपने मेहमानों का, क्या मुगल काल के क्रूर शासकों का गुणगान करना सही है, हाँ या ना में हम आपसे जवाब चाहते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं, तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें।
सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र आशुतोष जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी जुड़ी हुई है जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है भुवनेश्वर से। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं जो कि DU के एक प्रोफेसर हैं और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं जो कि लेफ्ट के एक नेता हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं सलमान खुर्शीद जी। सलमान साहब, सबसे पहले मैं आपकी किताब के बारे में बात कर लूं। आपकी किताब पर विवाद थम नहीं रहा है। आपने जो किताब लिखी है, क्या उससे जन भावनाओं का नुकसान हुआ है? इसका प्रकटीकरण हमको ये देखने को मिला कि आपके घर पर तोड़फोड़ हुई। क्या आपकी पुस्तक से जन भावना आहत हुई है और आज की तोड़फोड़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि जन भावना किताब से बनी है, किताब पढ़ी है और किताब पढ़कर किसी ने कुछ कहा है, तो किताब में तो बहुत सारी बातें हैं, धर्म के बारे में भी है, हिंदू धर्म के बारे में भी है, संत कबीर के बारे में है, महात्मा गांधी का रामधुन है, राम राज के बारे में भी है, और मस्जिद और मंदिर का विवाद जो था उसकी जजमेंट अयोध्या से आई उसके बारे में भी है, और उसको स्वीकार करते हुए, उसका सम्मान करते हुए मैंने कहा है कि अब मौका है कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। तो किताब इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब पर आहत है क्या समाज कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ख़राब है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ख़राब है? महात्मा गांधी का रामधुन बुरा है? हिंदू धर्म अच्छा नहीं है? क्या चीज़ है, किस बात की आहत है? मुझे तो नहीं मालूम। अब विवाद जो हो रहा है, माफ़ करिए, मीडिया के लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए ये विवाद को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएं कोई बात नहीं है, लेकिन जो सच है वो बता दें। कोई तो ये कहता है कि मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं है, तो राहुल गांधी अब पार्टी नहीं है। राहुल गांधी को ही बात कहते हैं, वो पार्टी की बात नहीं होती है, और कोई और व्यक्ति, कोई और हमारा साथी कह देता है तो वो पार्टी की बात होती है। तो आपने एक स्क्रिप्ट लिख दिया ना, मीडिया ने एक स्क्रिप्ट लिख दिया, उसमें मैं विलन हूँ, राहुल गांधी सुपीरियर विलन है, और बहुत वो लोग जिनको रोना आ जाता है, नरेंद्र मोदी की बात सुनकर रो देते हैं, वो जो हैं वो हमारी पार्टी के हीरोज हो गए हैं। तो अगर ऐसा हो गया है तो अब इसका जवाब देने की क्या संभावना है? तो नहीं दे पाऊंगा मैं जवाब, लेकिन अंततः ये ज़रूर कहूंगा कि जो गया है मेरे घर में जलाने के लिए, मेरे घर में पहुंचा है जलाने के लिए, उसका उसके ऊपर एक प्रश्न इस बात का है कि वो किसका है? कांग्रेस ही गया था जलाने? क्या कांग्रेस ही थे वो, या किसी और पार्टी के थे? तो किस पार्टी के थे, कौन जलाने गए, क्यों जलाने गए, ये बता दें। मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं धर्म का दुरुपयोग करते हैं, मैंने ऐसा कहा। मुझसे सबूत मांगा गया, वो सबूत उन लोगों ने दे दिया, आज ही दिखा दिया कि हम ऐसा करते हैं, अंदर होते तो हम इससे ज़्यादा करते हैं। सलमान साहब, ये बताइए कि आपने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से की है, इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या वाकई ISIS और बोको हराम से हिंदू या हिंदुत्व की तुलना की जा सकती है, और किस आधार पर? ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं मुझसे कि मैंने अयोध्या के जजमेंट को सपोर्ट क्यों किया? ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं? लोग हैं जो अयोध्या के जजमेंट से सबको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं इस देश में, और सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बहुत लोग हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं। तो ये क्यों नहीं मुझसे पूछते हैं कि आपने अयोध्या के जजमेंट को सपोर्ट क्यों किया? ये क्यों नहीं पूछते हैं? ये मुझसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने इसमें रामधुन लिखने की क्या ज़रूरत थी, रामराज लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये क्यों नहीं पूछते हैं? ये क्यों नहीं पूछते हैं कि इतना लंबा आपने विवरण हिंदू धर्म का कर दिया है तो उसकी क्या ज़रूरत थी? ये क्यों नहीं पूछते हैं? कोई सवाल ही नहीं पूछते हैं। ये पूछते हैं कि आपने हिंदुत्व को बुरा क्यों कहा? एक बात, बुरा इसलिए कहा क्योंकि बुरा है, इसलिए कहा। और बुरा है तो कैसा बुरा है? हमने कहा कि सिमिलर है जैसे वो लोग हैं। क्यों सिमिलर है? क्योंकि वो दुरुपयोग करते हैं इस्लाम का, आप दुरुपयोग करते हैं हिंदू धर्म का, इसलिए आप उनसे मिलते जुलते हैं, आप उनसे सिमिलर हैं। सिमिलर का जो वो होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो ये होता है कि समान है, उन जैसे हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे हैं ये नहीं होता उसका ट्रांसलेशन। बिल्कुल वैसे होते हैं सेम, मैंने सेम नहीं कहा, सेम
सिमिलर में अंतर है। अब ये कहें कि यार इतनी बात कहाँ समझ में आएगी किसी को, तो फिर किताब ही ना लिखें। बहुत लोग ये कहते हैं कि आपने इलेक्शन आ रहे हैं तब क्यों किताब लिख दी, तो फिर इलेक्शन के बाद लिखते तो जैसे बिजली के बिल कम हो जाते हैं इलेक्शन के बाद बढ़ जाते हैं, और इसके तेल के दाम घट जाते हैं फिर इलेक्शन बाद बढ़ जाते हैं, तो इसी तरह से किताबें भी लिखनी चाहिए। तो यानी कि इंटेलेक्ट को, यानी को बुद्धि को हम रख दें, गिरवी रख दें इलेक्शन के लिए। ये मेरी अंदर ये मेरी समझ नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। सलमान साहब, आपके इस शब्द पर मैं जाता हूं, उन जैसे, आपने उनके जैसे नहीं कहा, सेम नहीं कहा, सिमिलर कहा, लेकिन कहा तो ये आपके आलोचक कह रहे हैं, और आपके आलोचक ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने कभी राम भक्तों को राक्षस, तो कभी उसे तालिबान से जोड़ा, अब लोग कह रहे हैं हिंदू हिंदुत्व को अलग करके बात क्यों की जा रही है, और बोको हरम और आईसिस के सिमिलर ये क्यों हैं, क्या यूपी चुनाव आपके स्टेटमेंट की वजह है? क्यों, ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी सोच है। विधानसभा के चुनाव नहीं आते तो हम ना बोलते, और विधानसभा के चुनाव आ गए तो हम ना बोलें। विधानसभा के समय पर कुछ एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जिसमें कुछ बातें जो आप साधारणता कह सकते हैं वो कहने पर रोक लगा दी जाती है। मेरा ये मानना है कि जो बात आप साधारणता कह सकते हैं उसको कोर्ट के दौरान भी आपको कहने का अधिकार है, लेकिन इस बात पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो इसका विधानसभा से क्या लेना देना है? हमारी आइडियोलॉजी है तो आइडियोलॉजी को लेकर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, वो तो सिर्फ हिसाब किताब को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसा है तो ऐसा हम नहीं मानते हैं, हमारा लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए या है ऐसा हम नहीं मानते। ठीक है, मैंने आपकी बात समझी, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि काल निमी राक्षस राष्ट्रीय दलवी ने कह दिया, और जय श्री राम बोलने वालों को और उनसे उनकी तुलना कर दी, अब मणिशंकर अय्यर ने भी मुगल शासकों का गुणगान किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनको बाबर महान लगते हैं? मणिशंकर अय्यर एक विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है, राइट, बुद्धिजीवी हैं, और मणिशंकर अय्यर जो भी कहते हैं उस पर उनके साथ वही व्यवहार होता है जो आज मेरे साथ हो रहा है। और हम भी ये मणिशंकर अय्यर से बहुत दफ़ा ये कहते थे कि थोड़ा सा बच कर करो, थोड़ा सा संभल के करो, थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा अंकुश लगा के करो, हम कहते थे, मैं मानता हूँ। आज मणिशंकर अय्यर मुझसे ये कह सकते हैं कि सलमान देखो तुमने रोक कर लिया, उसमें कोई फ़ायदा हुआ, अब तो खुल कर आ जाओ। तो अब खुल कर मैं आ गया हूँ खुल कर, और इसी बात की लोगों को तकलीफ़ है और मिर्च लग गई है कि ये खुल कर कैसे आ गए हैं। और अगर मिर्च किसी राजनीतिक मंच के लोगों को लगे, हमसे जो विपक्ष की राजनीति, हमारे विपक्ष में राजनीति करते हैं, उनको लगे मिर्च, तो मैं समझता हूँ। मीडिया के लोगों को और एंकर्स को मिर्च लग गई, ये बात समझ में नहीं आई। और सच्ची बात है कि मेरे लिए हिंदू धर्म के जो सही अनुयायी हैं उनसे जुड़कर चलना इस देश के लिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं करता हूँ। मैं कालकी धाम गया, मैं वहाँ शंकराचार्य जी से मिला, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। अगर मुझे हिंदू धर्म से एक लगाव ना होता तो मैं क्यों लेता किसी शंकराचार्य का आशीर्वाद? लेकिन मीडिया का आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। एक दिन हमारी पार्टी को मीडिया के साथियों के साथ बैठकर और उनको भी समझाना होगा, और मीडिया समझेगी। आज हम पर है ये, कल आप पर होगा। कल आपके 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 जो स्टूडियोज़ हैं वो जलाए जाएंगे, वो जलाए जा चुके हैं, फिर जलाए जाएंगे, आप भी हिरासत में जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपको विलेन पेंट किया गया उसमें मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, कुछ राज्य सरकारें आपकी किताब को बैन करने पर विचार कर रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने तो खुलकर कहा है। करें ना, अरे करें ना यार बैन, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? उनको कौन रोक रहा है? बैन करें ताकि कम से कम हम कोर्ट में जाकर इस बात पर खुलकर बहस हो सके कि इनको बैन करने का अधिकार था कि नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, मानिए किताब बैन हो गई, उस किताब का 50% जो लेख है, 50% वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।
तो हिंदुस्तान में, इस देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बैन किया जाएगा। वाह रे भारतीय जनता पार्टी, क्या बात है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मेरे साथ आशुतोष जी हैं, मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं। अपराजिता सारंगी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई इस जो उन जैसे हैं आईसिस और बोको हराम, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मॉब लिंचिंग करते हैं, आज उनके घर को जलाया गया, इन तमाम एग्जाम्पल्स को देते हुए कह रहे हैं कि अगर मैंने आईसिस और बोको हराम से तुलना कर दी तो गलत क्या किया? आप सबको मेरा नमस्कार। वाहरे कांग्रेस और वाहरे श्री सलमान खुर्शीद जी, मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूं, आपने उनका साक्षात्कार हमें सुनाया। 113 पृष्ठ पे उन्होंने जो लिखा है उसे बहुत ही बखूबी उन्होंने स्वीकारा और ये बहुत दुख की बात है। देखिए, उन्होंने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। बोको हराम क्या है शायद उन्हें ज्ञात नहीं है, आईएसआईएस क्या है उन्हें शायद ज्ञात नहीं है। बोको हराम 2009 से अब तक उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में इसने 50,000 हत्याओं को अंजाम दिया है और इनकी दरिंदगी से करीबन 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और करीबन 3,10,000 लोग शरणार्थी हो चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात रही आईएसआईएस की, तो अबू बकर अल बगदादी, इन्होंने इस आईएसआईएस को खड़ा किया और उनकी हैवानियत से और इस संस्था की हैवानियत से पूरा विश्व वाकिफ है। इस परिपेक्ष में, इस पृष्ठभूमि में मैं पूछना चाहूंगी, श्री सलमान खुर्शीद ने कैसे हिंदुत्व की तुलना इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से की, आईएसआईएस और अबू बकर से की? मुझे लगता है हिंदुओं की परंपरा संस्कृति का अपमान है। और सिर्फ सलमान खुर्शीद की बात हम ना करें, देखिए पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के नेताओं में हिंदू और हिंदुत्व को अपनी संकुचित विचारधारा के आधार पर परिभाषित करने की होड़ लगी हुई है। अभी ये सलमान खुर्शीद को हमने सुना, राशिद अली जी के बारे में भी अभी आपने कुछ, अलवी जी के बारे में भी आपने अभी कहा था, उन्होंने राम का नाम लेने वालों को, राम का नारा लेने वालों को कहा कालनेमी निशाचर। उसके बाद राहुल गांधी जी आए जो इन सब के प्रधानाध्यापक हैं। राहुल गांधी जी ने भी सलमान खुर्शीद जी के वक्तव्यों का समर्थन किया और इसके बाद मणिशंकर अय्यर की बारी आई और हम सब ने सुना उनका बाबर प्रेम और उनका मुगल प्रेम। शशि थरूर जी ने भी कुछ दिन पहले हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान कहा था और सुशील शिंदे, आपको याद दिला दो, उन्होंने भी कहा था भगवा आतंकवाद। ये क्या है? मुझे नहीं लगता है कि यह संयोग है, यह सोची समझी साजिश है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, सलमान खुर्शीद जी ने अपने वक्तव्यों को अंत करते हुए कहा वाह रे भारतीय जनता पार्टी। मैं निश्चित तौर पर करूंगी वाह रे भारतीय जनता पार्टी। हमारा नेतृत्व पूरे देश की बात करता है। जब भी हमारे प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं, हम सबको संबोधित करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, तो 130 करोड़ लोगों की बातचीत करते हैं और हमारा मूल मंत्र, हमारा मेरुदंड एक ही मंत्र है, वो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को और आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष बताइए, कुछ मॉब लिंचिंग के क्रिमिनल इंसिडेंट जिनमें बकायदा मुकदमा भी हुआ, जिनमें बकायदा सजा भी हुई, उनके चलते क्या आप एक पूरे धर्म को, क्या आप एक पूरे पंथ को, और जिस धर्म को सनातन माना जा रहा है, जो सदियों से चला आ रहा है और अनंत काल तक और चलेगा, उसको आप बोको हराम और आईसिस से तुलना कर सकते हैं? दीपक, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। शायद भारतीय जनता पार्टी में उनका अभी इंडक्शन हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये किताब है, विनायक दामोदर सावरकर जी की किताब है जिसमें हिंदुत्व, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, सबको पढ़ लेना चाहिए। हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, ये बहुत साफ
खुद उन्होंने लिखा जिन्होंने हिंदुत्व की पूरी परिभाषा इसके अंदर दे रखी है। तो ये जो घालमेल करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व पे टिप्पणी करने का मतलब ये कि आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को पढ़ लेना चाहिए। चलिए, मैं उसमें कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात, अगर हिंदुत्व बोको हराम और इस्लामिक स्टेट जैसा नहीं है तो उसमें तकलीफ, तो उसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। आप क्यों परेशान है? कोई आदमी अगर झूठी बात कह रहा है तो उसको झूठी बात कहने दीजिए, झूठ बोले कौवा काटे, तो आप नहीं परेशान होना चाहिए। और अगर हिंदुत्व बोको हराम जैसा है तो सोचना चाहिए कि लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में सिर्फ दो लाइनें लिखी हैं, लेकिन जिन लोगों ने नैनीताल में उनका घर जलाया है उन्होंने यह साबित कर दिया है कि दरअसल वो लोग हिंसा में यकीन करने वाले लोग हैं। और जो बात सलमान खुर्शीद की, जिस बात को आपके चैनल पर आकर मैंने कहा था गलत बात उन्होंने कही है, आज मुझे ही उन लोगों ने गलत साबित कर दिया कि उनके घर को जलाने का काम किया है। अगर इतनी असहिष्णुता है आपके अंदर कि किसी किताब में दो लाइनें लिखी जिस पर आपको तकलीफ है और आप उनका घर जला देंगे, उस घर के अंदर कोई होता उसकी जान भी जा सकती थी, तो समझने की बात है कि क्यों तुलना की गई और किसने। अमरावती की असहिष्णुता पर कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, मेरा एक काउंटर सवाल है। असहिष्णुता तो आपने अमरावती में भी देखी, जहां पर त्रिपुरा पर एक वायलेंस हुआ जिसका लोग कहते रहे कि नहीं गलत है, उसको लेकर दंगे हो गए वहां पर। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है कि जहां 80% हिंदू हैं और कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है जैसे इस्लाम खतरे में है। जो लोग इस्लाम खतरे की बात करते हैं, जो लोग हिंदू खतरे में की बात करते हैं, दोनों की सोच एक जैसी, दोनों की सोच में कोई तुलना नहीं है। अभी आप किसी इस्लामिस्ट से बात करिए, वो कहेगा आपने उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की थी, हमने कोई ठेका ले रखा है? अमरावती के अंदर जो हुआ उसके आधार पे वहां की जो सरकार वो कार्रवाई करे, अगर वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र सरकार कार्रवाई करे। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है इस पूरे मसले पे। इसमें मेरी बात और आपकी बात का क्या मतलब है? जो लोग मेरी और आपकी बात करते हैं दरअसल उन लोग वो लोग लोगों के बीच में मतभेद की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को टिप्पणी करने के पहले सावरकर की इस किताब को पढ़ लेना चाहिए जो हिंदुत्व के नाम से किताब है, जिनको यही नहीं पता कि हिंदुत्व क्या है। संगीत रेखी जी, रागी जी इसका जवाब देंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, मैं आप ही की पुस्तक और वीर सावरकर जी की हिंदुत्व की उसी डेफिनेशन पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले महक पोरवाल इंदौर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। महक, क्या कहेंगे पूरे मुद्दे पर? मैं सबसे पहले दीपक सर को धन्यवाद करना चाहूँगी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं न्यूज़ नेशन प्लेटफॉर्म पर अपने विचार व्यक्त कर पाऊँ। इस डिस्कशन को युवा के पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगी क्योंकि मैं एक युवा हूँ और युवा ही देश का भविष्य है। मैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी की बात को कोट करना चाहूँगी, उन्हें दोहराना चाहूँगी। हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्यों करते हैं जब हम अलग ही नहीं हैं? हमारा सिर्फ प्रार्थना आराधना करने का ही तरीका अलग है। जितना कंट्रीब्यूट हिंदू डॉक्टर्स हेल्थ सिस्टम में कर रहे हैं उतना ही कंट्रीब्यूट मुस्लिम या फिर और भी कोई धर्म के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स इंडियन इकोनॉमी में कर रहे हैं। हमें इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि हमारे जैसे डेमोक्रेटिक राष्ट्र में अल्पसंख्यक का सिर्फ ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा परिकल्पित भारत के विचारों के संरक्षक के रूप में कार्य करें। बहुत शुक्रिया महक, आपने बहुत अच्छी बात बोली, संविधान की बात कही। मैं सीधे चलता हूँ संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, अगर सावरकर जी की डेफिनेशन से देखा जाए तो फिर सलमान खुर्शीद की बातें क्या सही लगती है? आशुतोष जी का ये तर्क है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग है। मुझे लगता है कि आशुतोष को दोबारा पढ़ना चाहिए उस किताब को। जब एक कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये उन पर लागू होता है या नहीं होता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में कहीं भी हिंसा की बात नहीं कही है, कहीं भी हिंसा की बात नहीं कही है। मुसलमानों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना है, रिकन्वर्ट करना है, यह भी उन्होंने नहीं कहा है। तो ये बातें जब आप इस्लाम की तुलना
हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अन्य शब्दों के साथ आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी इतिहास बोध इतनी छिछली है कि आप इतिहास से सीखने के लिए नहीं, स्वयं अपने आप को एक प्रगतिशील नागरिक और बौद्धिक के एक स्वांग के लिए आप ये सारा कुकर्म करते हैं। और मैं बहुत कटु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 40,000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों को मुगल शासन के दरमियान ध्वस्त किया गया था। जहां तक गंगा और दुआब का क्षेत्र है, एक भी बड़ा मंदिर बचा नहीं। पता नहीं कितने, उसको अकाउंट करना मुश्किल है कि कितनी हत्याएं की गई, कितने रेप किए गए, कितने लोगों को कन्वर्ट किया गया। और उस शासन व्यवस्था को मणिशंकर जैसा चापलूस लिखने के लिए थे वहां पर, गांधी परिवार का, गांधी परिवार का लिखने के लिए थे वहां पर, एक चाटुकार मर्डर हुए, कितने मंदिर टूटे, कितने रेप हुए, आपने फाइल बनाई थी या आरएसएस के लोग इस विवेक जी सुन लीजिए ना, मैं इसके बाद तुरंत आप ही के पास आऊंगा। विवेक जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए उनकी बात, कंक्लूड करिए। संगीत जी, इतना बेहुदा है कि इसको तमीज नहीं है कि कैसे ये डिबेट करना चाहिए। तुमको तमीज है हर बार इस्लामोफोबिया, मुगल खराब, मुसलमान खराब, मंदिर टूटे, रेप हुए, मर्डर हुआ, हिंदू खतरे में, इसके अलावा कोई नैरेटिव है? व्यक्तिगत ना हो ना प्लीज, अपनी अपनी बात कहें। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए, फिर मैं विवेक जी बात करूं और आशुतोष के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी के पास पढ़ा लिखा, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो आप शब्दों पे आता है। मैं रिवेट नहीं तुमसे कर सकता, तुमको जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो आप शब्दों पे आता है। तुम्हारे पास तथ्य ही नहीं है, पढ़े लिख लिया, तुम्हारे पास तथ्य ही नहीं है। प्लीज व्यक्तिगत ना हो, हम लोग प्लीज व्यक्तिगत ना हो, आप दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, प्लीज आप दोनों व्यक्तिगत ना हो। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए, मैं विवेक जी वास्तव जी के पास जाऊंगा, कंक्लूड करिए। और विवेक जी प्लीज, बीच में नहीं, संयम रखिए सर, संयम रखिए। अरे इनको समझाइए आप, एंकर किस टाइप के हैं, बीचड़ के क्या संयम रखूं? वो आदमी अब शब्द कह रहा है आपके नेशनल टीवी पे, आप पर मैंने दोनों के लिए कहा कि कृपया व्यक्तिगत ना हो, मैंने दोनों के लिए रिक्वेस्ट किया, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत ना हो, लेकिन आप भी बीच में बोल रहे हैं। विवेक जी आप भी सोचिए कि अगर कोई आदमी बोल रहा है तो बीच में ना टपके, आप अपनी बात बारी पर अपनी बात कहें, यही डिबेट का सही तरीका है, वरना आपकी आधी बात पहुंचती नहीं है। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। ज्यादा सुना सकता हूं, लेकिन मैं मर्यादा रखता हूं। आदमी को रोकिए, ये बेहुदा पता नहीं कहां से नालायक रोज रोज टपक करके आ जाता है, पढ़ने लिखने से इसको कोई मतलब नहीं है। प्लीज व्यक्तिगत ना हो सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, माफी चाहूंगा, नेशनल टेलीविजन है हमारा, प्लीज मैं माफी चाहूंगा इन शब्दों के इस्तेमाल के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। चलिए इस फाइट से बाहर चलते हैं, इस फाइट से बाहर चलते हैं, इस फाइट से बाहर चलते हैं, सीधे आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष बताइए, इस आरएसएस के आदमी को देखिए, इसकी भाषा देखिए, इसका कल्चर देखिए, आप देखे सब दर्शक। अच्छा एक मिनट, सीधे आशुतोष के पास चलते हैं, ठीक है, हम ये झगड़ा खत्म करते हैं। आशुतोष जी, संगीत रागी जी ने बिल्कुल पॉइंटेड आपके सवाल का जवाब दिया, आप क्या कहेंगे? और आपको लगता है कि कुछ क्रिमिनल इंसिडेंट्स के आधार पर आतंकवादी संगठन से हिंदुत्ववादी संगठनों की तुलना की जा सकती है, और आप हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग बोल रहे हैं, तो हिंदू से ही हिंदुत्व निकला है। नहीं नहीं दीपक, मैं फिर इस किताब को उठा देता हूँ, आपको भी मैं भेज दूंगा, आप भी इस किताब को पढ़ लीजिएगा, और मुझे लगता है कि संगीत रागी को तो खैर पढ़ने की जरूरत थी इस किताब को। अभी संगीत रागी जी ने कहा कि सावरकर ने कभी भी हिंसा की बात नहीं की, सावरकर कभी ने कभी भी कन्वर्जन की बात नहीं की। सिक्स ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, जिसमें सावरकर इस बात को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि हिंदू धर्म में कन्वर्जन नहीं है। जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के चले गए, उनको वो दोबारा हिंदू धर्म में आना चाहते थे, उनको कन्वर्ट नहीं किया गया, इस बात को लेकर वो हिंदू धर्म की बड़ी तीखी आलोचना भी करते हैं। संगीत रागी को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं सब चीजों को। खैर, इन सब चीजों को शायद शाखा में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहां जरूर शाखा में भाषा की एक सभ्यता जरूर सिखाई जाती है, मैं अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। नहीं 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 विवेक जी, मैं जानता हूं शाखा में भाषा की सभ्यता सिखाई जाती है, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि वहां बड़ी अच्छी परंपरा है। बैठ करके जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है आप कहां से कह सकते हैं सर?
अच्छा विवेक भाई फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीच में नहीं ना, बीच में नहीं, आप बिल्कुल अपनी बात बोलिए। बहस में बेहूदगी करेगा उसको बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। इन निर्लज्जों ने, इन निर्लज्जों ने इस देश को नाश कर दिया है। इंटॉलरेंट हिंदुत्व, इन निर्लज्जों ने इस देश का नाश किया है। संगीत रागी, ये है हिंदुत्व का इंटॉलरेंट, ये है हिंदुत्व का भोको हराम से मेल जोल, एक भी तथ्य नहीं है, जिसकी बात किताब पढ़ करके ये नहीं आता है, और बिल्कुल सही कही, किताब की जानकारी नहीं है। आप और अपशब्द बोलिए, मुझे खुशी होगी, इससे लोगों को पता चलेगा कि आरएसएस और भोको हराम एक है, भोको हराम जिस रास्ते पे चल रहा है। अच्छा मैं वापस जाता हूँ, आशुतोष और अपराजिता जी के पास जाता हूँ, एक मिनट सब्र करिए विवेक जी, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज संगीत जी आप भी थोड़ा संयम रखिए, विवेक जी आप भी विवेक जी थोड़ा संयम रखिए, बीच में ना बोलिए। मैं सीधे अपराजिता जी के पास चलता हूँ। अपराजिता जी, आशुतोष जी का साफ कहना है कि भाई ये तो इंटॉलरेंस है जो जुड़ा हुआ है सीधे हिंदुत्व से, और वो बता रहे हैं कि उनको क्यों लगता है कि इनकी तुलना आईसीस और बोको हराम से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद को मैंने गलत कहा था, लेकिन जिन लोगों ने उनके घर पर आक्रमण किया उन्होंने आशुतोष को गलत साबित कर दिया। देखिए, किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाता है, और कानून और पुलिस अपना काम करेंगे इस पर हम सबको भरोसा है। तो मुझे लगता है कि लीक से हटकर आशुतोष जी बात ना करें तो बेहतर है। अभी बातचीत चल रही है हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषाओं की, और सारे कांग्रेस के नेता इससे जुड़े हुए हैं और छलांग लगा दी है, और अपने अपने तरीके से अपनी संकीर्ण विचारधारा से इसकी परिभाषा किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा, मैं फिर से कहना चाहूंगी, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि यह संयोग नहीं है, यह साजिश है, और जो मुसलमानों के वोट के लिए यह सब किया जा रहा है, सलमान खुर्शीद जी ने कहा, और उसके बाद लगातार मैंने 5 नेताओं का नाम दिया, सब लोगों ने ऐसी ही बात कही। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम सबकी बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। हम 20 जुलाई 2019 की एक घटना की के विषय में आप सबको बताना चाहेंगे। उस समय अमेरिका के राजदूत भारतवर्ष में टिमोथी टोमर हुआ करते थे, टिमोथी रोमर, और उनके साथ राहुल गांधी जी की बातचीत हो रही थी 20 जुलाई 2009 याद रखें। और राहुल गांधी जी ने उनको कहा था, टिमोथी साहब को कहा था कि भारत को आतंकियों से ज्यादा हिंदुओं से खतरा है। अब आप बताएं, 2009 की बात मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, और उसके बाद मैं आपको कह दूं, आप सबको ज्ञात है कि राम के प्रति जो इनका प्यार है यह सर्वविदित है। अदालत में हलफनामा दिया और उसमें भी राम के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न लगाया। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में ये जो 20% तथाकथित, जो इनके शब्दों में 80% और 20%, 20% माइनॉरिटी को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है? हिंदुओं से इनको इतनी नफरत क्यों, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं सीधे आप ही के सवाल को विवेक श्रीवास्तव जी के पास ले जाता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए ना, आइडियोलॉजी के तौर पर आपको हिंदू और हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों है कि जो उसकी आलोचना करता है उसके सम्मान में आप बैंड बाजे लेके निकल जाते हैं? बता देता हूँ, दीपक जी इनकी नस्ले ही यही है, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, हिंदुओं का अपमान नहीं किया है, जो फनेटिक मिलिटेंट हिंदुइज्म, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मद्रम दल के रूप में इस देश में आया है, जिसने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोशिश, आपने सलमान खुर्शीद के घर को अटैक किया, क्यों अटैक किया आपने, ये क्या दिखा रहा है? क्या हम टॉलरेंट हैं? क्या हिंदू टॉलरेंट रहे? अगर उस आदमी ने किताब लिखी है उसका आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करिए, आप बोलिए वो गलत है, आप नहीं बोल रहे हैं, आप उसका घर की तुलना हो सकती है, आप उसका घर जलाने पहुंच गए, आप उसका घर जलाने पहुंच गए, कल्चरल रिवोल्यूशन को पढ़िए, ये बिल्कुल बोको हराम हो रहा है, ये आरएसएस का बोको हराम हो रहा है। यहाँ पर जब आप टीवी पे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, लोगों के घर जलाते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, तो हिंदुत्व बोको हराम बनता जा रहा है और इसको रोकने की जरूरत है। लोगों से पूछिए कि तुमने कितनी हत्याएं की है, मानव अधिकार की बात आप दिखा चुके हैं सर अपनी भाषा से,
और मैंने जानबूझ करके मैंने आपको कुछ नहीं कहा कि लोगों को आपका चरित्र दिखे, आरएसएस का चरित्र दिखे। नेशनल टीवी पे जब आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो जब आप इस टीवी पे नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें कह ली, मैं आप दोनों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक के ऊपर एक ना बोले, आपकी बात दर्शक सुन नहीं पाते हैं। मैं सीधे प्रदीप सिंह जी के पास चलता हूँ। प्रदीप सिंह जी, क्या राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी, इसके अलावा मणिशंकर अय्यर, क्या एक सोचा समझा मूव है कांग्रेस पार्टी का एंटी हिंदू दिखने का, और क्या ये वेलकम मूव है जैसे कि कुछ लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स इसको बता रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स और लेफ्ट पार्टीज की तो बात ही मत, यही सब बोल के पार्टी का खात्मा कर दिया। अब ये पार्टी कुछ दिनों में, कुछ सालों में आपको बहुत जल्दी आर्काइव्स में मिलेगी इसके बारे में चर्चा, जमीन पर नहीं मिलेगी। तो इनकी बात तो नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी की जरूर बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश के आजादी के आंदोलन की वारिस पार्टी है। और जो कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी से लेकर बाकी लोग, अगर आप इतिहास पढ़िए तो इसी तरह की बातें जब मुस्लिम लीग अलग मांग कर रही थी अलग देश की, तब उसी तरह का माहौल था। क्या था? मुसलमानों को विक्टिम दिखाओ, विक्टिमहुड का कार्ड खेलो और अलग देश ले लो। ले लिया उन्होंने, और हिंसा से लिया, अहिंसा से नहीं लिया। लाखों लोग मारे गए, लाखों उससे कई गुना ज्यादा लोग बेघर हुए। देश का बंटवारा हिंसा के जरिए हुआ और हिंसा की ताकत से हुआ। ये इतिहास है, ये मतलब हमारे कहने से, आपके कहने से ये बदलने वाला नहीं। दरअसल क्यों तुलना होती है बीजेपी आरएसएस की बोको हरम और आईसिस से? समस्या यह है कि आईसिस, बोको हरम, तालिबान, इनकी आलोचना नहीं करनी, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। इनके खिलाफ बोलने से मैसेज दिया जाता है कि आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे, तो उसका तरीका यह है कि उल्टा हमला करो, बताओ कि आरएसएस और बीजेपी वाले भी वही हैं जो आईसिस और बोको हरम। कोई बताए कि इतने हजारों सालों के इतिहास में सनातन धर्म के किसी देश पर हमला किया हो हिंदुओं ने, किसी को कन्वर्ट किया हो? अभी आशुतोष जी कह रहे थे जो कन्वर्जन की बात हिंदू धर्म में नहीं है, ये गलत है। हिंदू धर्म में जो कन्वर्ट हो चुका है, वापस आना चाहता है, उसकी व्यवस्था है। किस देश के लोगों को कन्वर्ट किया, कौन से देश पे कब्जा करके जो है कन्वर्जन का अभियान चलाया? और कन्वर्ट करने वाले होते तो लगातार आबादी घटती नहीं जाती। मुसलमानों और मुगलों के शासन में जो कुछ हुआ, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि इतने साल के शासन के बाद भी इतनी आबादी बनी हुई है। उनसे कोई पूछे ये जो आक्रमणकारी आए थे कितने थे, हजार में भी थे क्या? और जब गए, जब इनका राज खत्म हुआ, तब कितने थे? ये जो बचे हुए हैं ये हिंदू धर्म की ताकत है, सनातन धर्म की ताकत, उनकी जिजीविषा है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था आधा मिनट और कन्वर्जन को मत गिनिएगा आप, आधा मिनट कन्वर्जन को मत गिनिएगा। विवेक जी, गांधी की हत्या को मत देखिएगा। ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ आप ही को बोलना है तो आप बोलिए, हम हो जाते हैं सर, हिंदुवादियों ने करी। विवेक जी, हर किसी के बीच में नहीं ना प्लीज, विवेक जी हर किसी के बीच में नहीं प्लीज, इनकी आदत खराब है भाई। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये किसी किसी को बोले नहीं, आप एंकर हैं, आप बोलने दीजिए, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं सर? आप एंकर हैं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा है सर। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, वो हिंदुत्व नहीं था? अरे भाई, बाबरी मस्जिद जब टूटी ऐसा है कि या तो आप ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए, हिंदुत्व था या नहीं? अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, विवेक श्रीवास्तव जी हर किसी के बीच में बोलेंगे, हर आदमी नाराज होगा आपसे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्रदीप जी कंक्लूड करिए प्लीज। देखिए दीपक जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन हुआ, उसके कार्यक्रम में जा रहे थे, नेहरू जी ने रोकने की कोशिश की, उनसे ये कहा कि किसी सेक्युलर कंट्री का राष्ट्रपति को के राष्ट्रपति को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं इसको इस रूप में नहीं देखता, मैं सोमनाथ मंदिर को भारत के लोगों के रेजिस्टेंस के रूप में देखता हूं, कि इतने हमलों के बाद भी आज वो बचा हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं हम, पुनरोद्धार कर रहे हैं,
मेरे लिए वो भारत के लोगों की अस्मिता का सवाल है, गौरव का, ठीक है, इसलिए जा रहा। तो ये जो लोग बात करते हैं, इनके दिमाग में जो है कि वो क्रिश्चियनिटी शुरू की जो है उसका नाम पता है, किसने इस्लाम शुरू किया उसका नाम पता है, बुद्ध धर्म महावीर धर्म किसने शुरू किया उसका नाम पता है, कोई बता दे हिंदू धर्म किसने शुरू किया। ठीक है, यही सवाल प्रोफेसर सतीश प्रकाश से पूछते हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश से। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बताइए, कितने साल का लिखित इतिहास मिलता है हिंदू धर्म का, और क्या किसी भी लिखित इतिहास में हिंदुओं ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया, वहां पर गजवाए हिंद करने की कोशिश, या वहां पर तलवार का शासन करने की कोशिश की, बताइए। दीपक जी, भारत के जो हिंदुओं ने किसी देश पे आक्रमण किया हो या ना किया हो, लेकिन इस देश की बहुत बड़ी आबादी के जो अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनके ऊपर आक्रमण किया है, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। देखिए, सुनिए सुनिए, इस डिस्कशन में हिंदू होगा या मुसलमान होगा, इस पे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का अरबी खून है, अगर मोहन भागवत जी का DNA अगर बाबर से मिलता है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति यह है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इस देश की जो मूल आबादी है, इस देश का जो मूल निवासी है, क्योंकि यह भी सच है, तमाम दुनिया का इतिहास इस तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है कि जो आक्रांता है, जो बाहर से आते हैं, चाहे वो मुगल हो या आर्यंस हो, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मूल निवासी है उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं नष्ट किया। और अगर मुगलों ने, यह भी सच्चाई है कि अगर मुगलों ने मंदिर तोड़े हैं, तो हिंदू धर्म के तमाम लोगों ने बहुत 1,00,000 बौद्ध मठों को कहां तोड़ा है, नाम बताइए, बहुत सारे बौद्ध नाम बताइए। जी जी जी, एक नाम बताइए, बामियान में तोड़ा है बुद्ध की मूर्ति को, किसने तोड़ा था? दीपक जी सुनिए ना, कुछ नाम बता दीजिए। मैं अयोध्या से शुरुआत कर दूं, अगर आप बताइए ना, बताइए, अयोध्या से शुरुआत कर दूं। हाँ सुनिए सुनिए, अगर मंदिर के ऊपर मस्जिद था, तो उस मंदिर के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ था, और वो तमाम अवशेष अगर गहराई और खुदाई की आप लंबाई गहराई बढ़ा दे, तो निश्चित रूप से हर मंदिर के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ मिलेगा। सुनिए, झूठी बाइनरी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माने, उस बाइनरी को फैलाने से क्या मिल जाएगा आपको? मैं रुकता हूँ एक मिनट। अरे भाई सुनिए ना, दर्शक नोएडा से जुड़ गई हैं, उनके पास चलता हूँ। हर्षिता, क्या कहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आ रहा हूँ आप पर, आ रहा हूँ। हर्षिता शर्मा, हर्षिता बोलिए, क्या कहना चाहेंगी सलमान खुर्शीद ने जो कंपैरिजन किया उसके ऊपर? गुड इवनिंग सर, पहले तो मैं लाइव बोलने का मौका दिया है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। ये मयूर शंकर अय्यर जी ने कहा है, पर ये गलत है। मुगल शासन में तो हिंदू धर्म परिवर्तन बहुत करवाया गया है। पिछले कुछ दिनों देश में धर्म परिवर्तन के नाम पे सियासत गर्म भी है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ यहाँ से, अर्शदीप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन एक काउंटर में संगीत रागी जी से लेना चाहूंगा, जो डॉक्टर सतीश प्रकाश ने कहा है। आप सतीश प्रकाश की बात से सहमत हैं कि बौद्ध मंदिरों को हिंदुओं ने तोड़ा? कोई बड़ा एग्जांपल हो आपकी ध्यान में तो बता दीजिए। दीपक जी, सतीश प्रकाश जी अम्बेडकर के अनुयायी हैं, और शायद इनको जानकारी होनी चाहिए कि अंबेडकर जी ने आर्यन इन्वेजन थियरी को पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया था। उन्होंने कहा आर्यन इन्वेजन थियरी जैसा कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा अद्भुत तर्क दिए, उन्होंने तिलक तक को इस पर क्रिटिसाइज किया। तो मुझे लगता है कि एक बार अंबेडकर वादियों को अंबेडकर को भी पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात देखिए,
प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात, प्रदीप जी ने कहा था ये वैदिक धर्म की एक उसकी अपनी जिजीविषा थी, उसके शास्त्रों का इतना इतनी ताकत थी कि वो उठ करके खड़ा हो गया। कौन नहीं जानता है कि बुद्ध धर्म के समय बौद्ध जिस समय बहुत प्रचंड ताकत में थे मगध के अंदर, तो वैदिक लोगों की आंखें फोड़ने तक का वो प्रयास करते, ये पूरे ये है। लेकिन अपवाद को नियम के तौर पर नहीं परिभाषित, मैं यही कहना चाहूंगा। एक मिनट, मैं कुमारिल भट्ट का मैं नाम गिना सकता हूं, कैसे उनको भागना पड़ा था। कोई भी आप जाकर के आप नालंदा उनसाचार्य, क्या उधर मंदिर नहीं थे? क्या मंदिर थे? सुनिए, आज हिंदू धर्म, सुनिए सुन लीजिए मेरी बात। नहीं नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए सुनिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना मेरी बात, मैंने आप मुझे बताइए कि मंदिर में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? पटता मत कीजिए, सुनिए सुनिए। आप विवेक संगीत रागी जी, देखिए सुनिए, बौद्धिक आप आरएसएस के जानकार नहीं है, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, और आपको ये देश को ये बताना चाहिए कि नारियल जो है, सुन लीजिए ना उनको, अरे उनको सुन लीजिए ना, उनका तर्क सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं मौका दूंगा आपको। सुनिए उनका तर्क सुन लीजिए, लंबे समय तक चली हुई कुरीतियां बाद में जाकर के परंपरा बन जाती हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, और ये सच्चाई पता होना चाहिए। अगर संगीत रागी जी ये बात कहते हैं कि तमाम बुद्धों ने, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आंखों हम यहाँ पर रहा है, तो हम यहाँ पर सेमिनार नहीं कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। संगीत रागी जी को अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। हर्षदीप, मैं आपके पास एक मिनट में आ रहा हूँ। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए, मैं हर्षदीप के पास जाऊंगा। सुनिए, देखिए ये ऐतिहासिक गलतियां हैं, इन ऐतिहासिक गलतियों से संगीत रागी जी की आवाज। मैं ये देखिए दीपक जी, ये विमर्श, इस विमर्श का जड़ कहाँ है? आजादी के पश्चात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत विभाजन के पाप से पहली बार पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुसलमानों को मुक्त कर दिया कि वो भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर मुस्लिम लीग को उन्होंने मुक्त कर दिया, जब सत्ता में आनी थी तो मुस्लिम लीग को मुक्त कर दिया। तीसरी बात उन्होंने कहा कि बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद से ज्यादा खतरनाक है। यह सरदार पटेल पर भी एक टिप्पणी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल जी ने कहा था बहुत साफ शब्दों में कि जो अल्पसंख्यक इस देश पर भारत विभाजन थोप सकता है वो कोई कम ताकतवर नहीं है, उसे हम अल्पसंख्यक हम मानने से ही खड़ा कर देना चाहिए। कायदे से इस देश के परवर्टेड सेकुलरिज्म ने और नेहरू की बौद्धिक दृष्टि ने इस देश को उसकी सनातन सांस्कृतिक बोध और उसकी इतिहास की परंपराओं से काट करके छोड़ दिया। ठीक है, मैं यहीं पर ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के लिए रुकूंगा। अर्शदीप से मेरी बात की शुरुआत होगी, अर्शप्रीत सिंह से, माफ कीजिएगा, अर्शप्रीत सिंह से ब्रेक के बाद।